बुमधरे के लिए पिछले 42 वर्षों में हुई सबसे बड़ी सफलता। पिछले लंबे समय से टिहरी से विस्थापित हुए सैकड़ों परिवार अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनमें उनको एक आशा की किरण नजर आई। इसके लिए पुनर्वास विभाग, वन विभाग, राजस्व विभाग के अधिकारियों ने विस्तृत चर्चा के पश्चात लिखित में आश्वासन दिया। बता दें, पिछले 42 वर्षों से लगातार भूमधरी के लिए अपने हक की लड़ाई लड़ रहे पथरी क्षेत्र के टिहरी विस्थापितों के लिए एक आशा की किरण जगी। बीते कुछ दिनों पहले जिलाधिकारी हरिद्वार के द्वारा भूमधरी को लेकर एक समिति बनाई गई, जिसमें अध्यक्ष के तौर पर प्रभारी वनाधिकार हरिद्वार, वन प्रभार हरिद्वार एवं सदस्य के तौर पर आदिशासी अभियंता खारा परियोजना निर्माण खंड एक पुनर्वास अधिकारी, नायब तहसीलदार फेरूपुर तहसील हरिद्वार तथा सर्वे कानून बंदोबस्त विभाग के दो सदस्य सम्मिलित थे। इसी कड़ी में दरांग 7 अप्रैल 2024 को उपरोक्त समिति के द्वारा टिहरी डोब नगर के बारात घर में विस्थापितों के साथ बैठक की गई, जिसमें पुनर्वास विभाग, वन विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों ने लोगों से विस्तृत रूप से चर्चा की। सभी लोगों ने अपने अपने पक्ष रखे, जिसके पश्चात बैठक में समिति के द्वारा निर्णय लिया गया। 15 दिनों के अंदर गठित की गई समिति भूमधरी के संबंध में सरकार को प्रस्ताव प्रेषित करेगी। 15 दिनों में प्रस्ताव सरकार को भेजने की बात को समिति द्वारा लिखित रूप में अपने हस्ताक्षर करके बैठक में मौजूद सभी लोगों को पढ़कर सुनाई गई। दूसरी ओर मीडिया से वार्ता के दौरान महावीर सिंह रावत ने कहा कि पिछले 42 वर्षों से चल रही लड़ाई में यह सबसे बड़ी जीत है। जिस प्रकार समिति के द्वारा आज लिखित रूप में आश्वासन दिया गया, हमें लगता है वह दिन दूर नहीं है कि हमें भूमधरी का अधिकार जल्द मिलेगा। वहीं अगर प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें तो मीडिया से वार्ता सवालों से बचते नजर आए। देखिए, मैं आपकी मदद समझ सकता हूँ। आप लोग बोल रहे हैं कि 1980 जैसे समय आ गए, आज 40-42 साल बीत गए। मैं भी कहीं ना कहीं रूप से बिलोंग करता हूँ, मैं भी टिहरी का रहने वाला हूँ, हालांकि मेरा गाँव रूप क्षेत्र में नहीं आया। ठीक है, तो आपकी दिक्कतें मैं समझ सकता हूँ, पर जो जैसा बताया गुप्ता जी ने बताया कि जो ये मामला है, ये कहीं ना कहीं पेचीदा बन गया है। कुछ फाइलों में उलझ गया है कि 24 हेक्टेयर ज़्यादा पहले बिना टेक्नोलॉजी के हुआ था, आज टेक्नोलॉजी के साथ हो रहा है, तो मैंने भी 24 हेक्टेयर ज़्यादा भूमि आ रही है। तो इस स्तर में मैं अपने कुछ स्तर के जो अधिकारी हैं, क्योंकि आज मैं प्रतिनिधि बन के आया हूँ, क्योंकि बुलावा डीओ साहब का था, पर शायद उनकी थोड़ा तबीयत खराब है तो इस वजह से वो नहीं आ रहा है। आज मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में आया हूँ, तो मैं जो भी यहाँ बातचीत हुएगी उसको अपने अधिकारी के सामने रखूँगा कि क्या मांग रहा है यहाँ पर। ऐसे मेरे को खुद भी पहले भी पता है, क्योंकि मैं पहले भी आई हूँ। रावल जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और यहाँ पे हमारी पत्नी की बैठी हुई जनता को भी सादर नमन। आपकी पीड़ा को मैं महसूस भी करता हूँ, क्योंकि मैं 2017 में पुनर्वास में एज एक्सियन आया था, जो बीच में एक साल नहीं भी रहा, फिर एसी के रूप में भी कार्यरत हूँ, और मैं आपकी पीड़ा को भली बात समझ भी रहा हूँ, क्योंकि लगभग 80-82 के आसपास इसका पुनर्वास का भाग इतना शुरुआत हुई थी, और आज 2024 शुरू हो गया है, और भूमिधरी अधिकार का मामला अभी तक सामना होने के कारण से, और संभवतः ये आपकी तीसरी पीढ़ी है। बहुत सारे पुराने आपके फादर या बाबा दादा लोग वो अब नहीं रहे दुनिया में, तो ये आपकी जो पीड़ा है बहुत ही जायज़ है,